के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम, जैसे लोहरी, पोंगल, उत्तरायण, खिचड़ी, बिहू के नाम से जाना जाने वाला उत्सव यानी मकर संक्रांति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह यानी वृत्त के 360 अंश क्षेत्र को 12 भागों में विभाजन कर 30 अंश के 12 राशि भाग बनते हैं, जिनको अलग अलग 12 नाम दिए गए हैं। जब सूर्यदेव ऐसी ही 12 राशियों में से एक मकर राशि में संक्रांति यानी प्रयाण करते हैं, उस समय को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इसी के साथ सूर्यदेव दक्षिण के बदले उत्तर दिशा की ओर प्रयाण करते हैं, जिसको हम उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। क्यों इस समय काल को शुभ माना जाता है? इस दिन पर सूर्य उपासना, दान तथा गंगा स्नान का महत्व क्यों माना गया है? मकर संक्रांति के बाद सूर्य प्रकाश की पृथ्वी पर समय अवधि बढ़ जाती है, जिससे दिन लंबा और रात छोटी होती है। रात अंधकार धीरे धीरे कम होने और पृथ्वी प्रकाशित रहने के कारण एक सकारात्मक वातावरण निर्माण होता है, जिसके कारण लोग प्रमाद आलस्य का त्याग कर लंबे समय तक काम कर पाते हैं। इस समय काल से बसंत ऋतु का भी प्रारंभ होता है और प्रकृति और समाज में उत्साह के वातावरण का सर्जन होता है। हिंदू उत्तरायण के शुभ दिन के बाद शुक्ल पक्ष में ही उनकी मृत्यु हो ऐसी इच्छा रखते हैं। पितामह भीष्म ने भी इसी दिन को देह त्याग के लिए चुना था। इसका मर्म जाने तो शुक्ल पक्ष में मृत्यु यानी प्रकाश, ऊर्जा, ज्ञान से भरे हुए मृत्यु की इच्छा, और कृष्ण पक्ष में मृत्यु यानी अंधकार, प्रमाद, आलस्य, अज्ञान से लिप्त जीवन की मृत्यु होना। लोग आज के दिन तिल और गुड़ के लड्डू का ब्राह्मणों और एक दूसरे में दान करते हैं। हमारी आपस में मिठाई बांटने की परंपरा एक दूसरे के लिए प्रेम और मिठास रखने का सूचन करती है। भारतीय परंपरा के अनुसार ब्राह्मण लोभ और धन से दूर होकर एक भिक्षुक की तरह जीवन गुजार संस्कृति और ज्ञान के मूल्यों का समाज में वहन करते हैं और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी के भाग रूप समाज ब्राह्मणों को दान करता है। पुराने काल में लोग तिल गुड़ के लड्डू में अर्थ के सिक्के मुद्राएं रख दान किया करते थे, जो गुप्त दान का महत्व दर्शाता है। जीवन में दान ऐसे करना चाहिए जिसका ईश्वर के सिवा और कोई भी साक्षी ना हो। मकर संक्रांति यानी फसल कटाई का उत्सव, पहली फसल का एक भाग भगवान को समर्पित कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मणों तथा हमारे सहायक और पर्यावरण के महत्व के अंग जैसे गाय, अन्य पालतू पशुओं और पक्षियों को भी दिया जाता है। उनको पका हुआ धान अलग से देने की भी परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति की प्रकृति और समाज के हर एक अंग के लिए आदर भाव के साथ उनकी रक्षा करने की महत्ता को दर्शाती है। संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग रीति रिवाजों के बावजूद इस दिन हम सूर्य प्रकाश तथा ऋतु के अनुसार उत्पन्न हुए खाद्य अन्न और फलों का संपूर्ण लाभ ले सके, ऐसी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने हमें उत्सव के रूप में करके दी है। पतंग चढ़ाना हो, फसल काटना हो या घर के बाहर पोंगल बनाने की परंपरा, सबके पीछे एक मुख्य कारण यही है कि ठंड की ऋतु में जब लोग शरीर को पूरी तरह वस्त्रों से ढक देते हैं, तब शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक ऐसे सूर्य प्रकाश का अवशोषण शरीर पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है, और इस दिन लोग घरों से बाहर निकल सूर्य की उपासना, पूजा और अन्य रीति रिवाजों के कारण ज्यादातर समय सूर्य देवता की किरणों का लाभ लेते हैं। सूर्य प्रकाश से विटामिन D3, तिल से कैल्शियम और गुड़ से ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। सूर्य प्रकाश से मिलने वाले विटामिन डी के कारण तिल से मिलने वाले कैल्शियम का अवशोषण शरीर में अच्छी तरह से होता है। आयुर्वेद के हिसाब से भी
तिल और गुड़ का काफी औषधीय महत्व है। इस दिन माँ गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का भी महत्व है। डुबकी लगाकर नदी में स्नान करने से मानसिक तनाव में भी राहत मिलती है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार भी गंगा के पानी में एंटीबैक्टीरियल तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता और चर्मरोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी दूर करने की क्षमता रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। इसका मतलब हम यह कर सकते हैं कि गंगा व्यक्ति को निरोगी रखने में मदद करती है और वही व्यक्ति का सबसे पहला सुख। प्रकाश की ओर ले जाने वाले इस दिन पर पूरे समाज का साथ आकर मनुष्य की जीवन डोर नदी और सूर्य देवता की अहोभाव के साथ उपासना करने पर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होता है। संक्रांति यानी प्रयाण, परिवर्तन की ओर प्रयाण, आलस्य और प्रमाद जैसे अंधकारों को दूर कर सूर्य नारायण जैसे कर्मयोगी बनने की ओर प्रयाण, यानी व्यक्ति को अपने विचारों तथा संकल्प में ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर कर्म फल की आशा त्याग कर्मयोगी बनने की ओर प्रयाण करना।